तो जब उसके ऊपर केस हुआ तो जज साहब ने उसको सजा सुनाते समय कटघरे में बुलाया, उससे पूछा तुमने ऐसा क्यों किया, तो वो बोलता है होई सोई जो राम रची राखा, राम जी ने जो रच रखा है वो होगा। उससे सेठ के यहां पर लाखों का जो लूटमार हुई वो लुटवाना था राम जी को, इसलिए वो हुआ। इसमें मेरी कोई गलती नहीं, राम जी चाहते थे इसलिए मैंने किया। जज साहब भी बोले अच्छा बहुत अच्छी बात है। बोले तुमने वो वाली चौपाई नहीं सुनी? बोले क्या, विश्व कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, जो जस कर ही सो तस फल चाखा। और ऐसा कहकर के महाराज 10 वर्ष की सजा सुना दी, उसको डाल दिया। तो फिर अभिप्राय क्या है? अभिप्राय यह है कि जिस क्रिया को करने से आपको मान का अनुभव होता है, जिस क्रिया को करने से आपको आनंद का अनुभव होता है, जिस क्रिया को करने से आपको यश वैभव कीर्ति और सम्मान प्राप्त होता है, उस क्रिया के प्रति सदा यह भावना रखो कि ठाकुर जी करा रहे हैं। और जिस क्रिया करने से आप पाप के भागी बनते हैं, जिस क्रिया को करने से आपका अपमान होता है, जिस क्रिया को करने से समाज में आपकी निंदा होती है, कहीं ना कहीं उसको अपना प्रारब्ध समझो। इस प्रकार से व्यवस्थित अपना जीवन करेंगे तो फिर दूषित क्रिया होगी ही नहीं हमसे। अर्जुन का एक सूत्र अपना लीजिए। अर्जुन भगवान के पास द्वारिका गया और द्वारिका में जाके चरणों में गिर गया, तो भगवान ने कहा भैया क्यों आए हो? बोले महाभारत का युद्ध होने वाला है। अर्जुन बोला तुमसे पहले दुर्योधन आया था, सेना लेकर के चला गया, सेना देने को मेरे पास नहीं है, अकेला मैं बचाऊं, और मैंने प्रतिज्ञा ली है कि मैं शस्त्र उठाऊंगा नहीं। सेना दुर्योधन ले जा चुका है, मैं अकेला तुम्हारे साथ चलूंगा, लेकिन मैं शस्त्र उठाऊंगा नहीं, मैं युद्ध करूंगा नहीं, मंजूर हो तो ले लो हमको। अर्जुन ने भगवान से कहा कि नाथ, ना तो मैं आपसे कुछ मांगने आया था और ना ही मैं आपको मांगने आया था, ना ही मुझे सेना चाहिए, ना ही मुझे आप चाहिए। भगवान बोले तो फिर क्यों आया? अर्जुन बोला महाभारत का युद्ध होने वाला है नाथ, उस महाभारत के युद्ध में मैं क्या करूं, कैसे करूं, कब करूं, कहां करूं, मुझे नहीं पता, उसके लिए आप ही मेरे निर्देशक बनो। मैं ना आपसे मांगने आया हूं, ना आपको मांगने आया हूं, मैं खुद को देने आया हूं कि मुझे स्वीकार करो और मुझे बताओ कि मैं क्या करूं। और इसी बात ने अर्जुन को महाभारत का युद्ध जितवा दिया। अर्जुन अपना बल लेकर के जाता कि मैं गांडीव धनुषधारी अर्जुन, मैं पांडवों में सबसे बलवान अर्जुन, अगर यह बल लेकर के अर्जुन युद्ध भूमि पर जाता तो हार जाता, पर अपने बल को छुपा के ठाकुर जी को प्रदान कर दिया अर्जुन ने। करिष्ये वचनम तव, आप जब कहोगे कि उठो उठूंगा, आप कहोगे बैठ जाओ बैठ जाऊंगा, आप कहोगे नाचो नाचूंगा, आप कहोगे बैठ आप कहोगे रो रोऊंगा, आप कहोगे हंसो हंसूंगा, अपनी मेरी कोई इच्छा नहीं रहेगी, सब आपकी इच्छा से करना है मुझे। और इसी कारण से अर्जुन जीत गया। अपनी इच्छा मत मानिए, ठाकुर जी को हृदय में विराजमान करके उन्हीं को ही प्रधान मान लीजिए। आप जो चाहेंगे वो होगा नाथ। अब हमको पद तो एक और याद आ गया, पर ये वाला कल सुनाएंगे, अभी तो कथा सुना देते हैं। पद की एक पंक्ति ही बहुत सुंदर है। हे मारा गिरधर लाल, थारो न चायो नाचू रे, थारे घर में रहू निरंतर, थारो ही भोग लगाऊं। मारा गिरधर लाल, थारो न चायो नाचू रे, मेरी अपनी कोई इच्छा नहीं है नाथ। आहा, बहुत सुंदर पंक्तियां हैं इस पद में कि हर हर स्थिति ठाकुर जी आप जो दोगे वो मुझे स्वीकार है।
मेरी अपनी कोई इच्छा नहीं। इस समर्पण के साथ ठाकुर जी के संग रहना ये एक वैष्णव का लक्षण है। मैं नहीं कर रहा हूं, सब ठाकुर जी कर रहे हैं। भगवान ने उत्तरा के गर्भ के बालक की रक्षा की। तत्पश्चात भगवान जैसी आगे बढ़ने लगे, कुंती ने भगवान की स्तुति गाई, कुंती को भगवान ने कृपा किया। तभी भगवान जैसे ही रथ में आरूढ़ होकर के अब द्वारिका को प्रस्थान करने लगे, तो वहीं पांडवों में खड़े युधिष्ठिर जी रोने लगे। भगवान बोले, युधिष्ठिर अब तुम क्यों रो रहे हो? युधिष्ठिर जी बोले, मैंने बहुत बड़ा अपमान किया, बहुत बड़ा अत्याचार किया, बहुत बड़ा अनर्थ कर दिया। महाभारत युद्ध करके कितने बालकों को अनाथ कर दिया, कितनी माताओं को विधवा कर दिया, मैंने अपनों को मार दिया। भगवान बोले, देखो एक बात बहुत ध्यान से सुनना बंधु, गलती करने से पहले यदि आपके चित्त में यह भावना आ जाए कि यह गलत है, मुझे नहीं करना चाहिए, तो अच्छा है। लेकिन गलती करने के बाद जीवन भर सिर पर हाथ रख के और महाराज रो रहे हैं, मैंने गलत कर दिया, मुझसे अपराध हो गया, मुझसे अपमान हो गया, मैंने ये कर दिया, और उसी के गम में ही पूरा जीवन जी रहे हैं, भगवान कहते हैं ये कायर व्यक्ति का लक्षण है। आपसे गलती हो गई, उस गलती का एहसास आपको होना चाहिए, पर जीवन व्यतीत ऐसे ही मत कर दो कि मैंने बहुत बड़ा अपराध अपमान कर दिया, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, ठीक है जो हुआ उसके बारे में अब ज्यादा विचार ना करके आगे से ऐसा नहीं करूंगा, यह संकल्प लेकर के आगे बढ़ो। अब जो आपने कर दिया वो कहीं ना कहीं आप भोग लोगे, लेकिन उसी के चक्कर में बैठे हुए मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी, मुझसे अपमान हो गया, ये हो गया, ये हो गया, और उस चक्कर में पूरा जीवन निकाल दिया, ये गलत है। तो याद रखिए, अपराध करने से पहले बोध हो रहा है तो रुक जाइए, लेकिन अपराध करने के बाद यदि आप रो रहे हैं मैंने ऐसा क्यों कर दिया, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, रोइए नहीं, अपनी गलती स्वीकार करके आगे से ऐसा नहीं करूंगा ऐसा कहके बढ़ो आगे, और जो आपने पहले किया वो कहीं ना कहीं आप भोग लोगे। कायरों की तरह बैठ मत जाओ, कर्तव्य है, जीवन चलते रहना चाहिए। कई घरों में मैं गया हूं, कई लोग अपने द्वारा किए गए कुछ अपराधों की वजह से अपना जीवन नष्ट कर देते हैं, अपने जीवन को वहीं रोक देते हैं कि अब हम कुछ नहीं करेंगे, हमसे अपराध हो गया है, हमने ऐसा ऐसा किया था, अब हम किसी लायक नहीं है, किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं, आप बढ़िए आगे, बस संकल्प ले लेना कि अब वो गलती नहीं दोहराएंगे। युधिष्ठिर युद्ध से पहले अर्जुन के मन में ये बात आई थी कि ये गलत है, मुझे इनको नहीं मारना चाहिए, तो मैंने उसको ज्ञान उपदेश किया। लेकिन सब कुछ हो जाने के बाद इतनी माताएं विधवा हो गई, इतने बालक अनाथ हो गए, उनके पति उनके पिता मारे गए, अब तुम सोच रहे हो कि मैंने बहुत बड़ी गलती की, अब सोचने से क्या फायदा जब चिड़िया चुग गई खेत। तब भगवान बोले, अब मैं दोबारा से गीता तो नहीं सुनाऊंगा, युद्ध करने से पहले शंका हुई थी अर्जुन को तो मैंने गीता सुनाई थी, अब युद्ध करने के बाद शंका हो रही है तो मेरा भक्त गीता सुनाएगा, मेरा भक्त बचाएगा अब तो। और भगवान युधिष्ठिर आदि समस्त पांडवों को लेकर के रणभूमि में गए भीष्म पितामह के पास। देखो बंधुओं, क्रिया करने से पहले समझा देना यह सामान्य बात है, पर क्रिया बिगड़ने के बाद उसको संभलवाना यह विशेष बात है। घर में कोई सब्जी बना रहा है और सब्जी बनाने से पहले मां आकर के बता दे, इसमें इतना नींबू डाल देना, इतना नमक डालना और इतना हल्दी डालना, इतनी मिर्च डालना, यह एक बात है।
लेकिन बालक ने पूरी सब्जी बिगाड़ दी, अब बिगड़ी हुई को संभलवाना ये विशेष बात है। ठाकुर जी की क्रिया क्या है बहुत ध्यानपूर्वक सुनिएगा, एक सूत्र दे रहे हैं हम। ठाकुर जी क्या करते हैं, बिगड़ने से पहले समझा देंगे, लेकिन बिगड़ जाने के बाद ठाकुर जी हाथ खड़े कर देते हैं, अब मेरे पास मत आवे, अब तो तेने बिगाड़ दियो। बिगड़ जाने के बाद तो भक्त ही काम आएंगे, बिगड़ जाने के बाद तो संत ही समझाएंगे, बिगड़ जाने के बाद तो वैष्णव ही संभाल सकता है, ठाकुर जी नहीं संभालते। ठाकुर जी पे तो एक ही बात है, मैंने पहले ही सब जगह ग्रंथों में कह रखा है ऐसा ऐसा मत करो, फिर भी तुम कर रहे हो, अब मेरी क्या गलती। लेकिन जब सब गलतियां कर देते हैं तो फिर संत कहते हैं आओ बैठो, हम बताते हैं अब तुमको क्या प्रायश्चित करना है, अब कैसे जीवन जीना है। रंगोली बनाने से पहले बालकों को समझा दिया जाए ऐसे बनाना, ये एक बात है, पर रंगोली बिगड़ जाने के बाद संभलवाना ये विशेष बात है। भगवान ने हाथ खड़े कर दिए, बोले युधिष्ठिर अब मैं नहीं समझा पाऊंगा तुमको, लेकिन तुम्हारा शोक और इन सब पांडवों का शोक ये दूर करने की क्षमता मेरे एक वैष्णव में है, और वो मेरी प्रतीक्षा कर रहा है, कौन, भीष्म पितामह। बंधुओं हमारे रामानुज संप्रदाय में एक भक्त हुए, उनका नाम था श्री लालाचार्य जी। क्या नाम था? लालाचार्य। श्रीमद रामानुजाचार्य जी महाराज के परम शिष्य थे श्री लालाचार्य जी। बहुत ध्यानपूर्वक सुनिएगा, लालाचार्य जी को रामानुजाचार्य जी ने एक दिन आज्ञा दी। क्या आज्ञा दी? बोले जितना तुम भगवान को मानते हो उससे 1000 गुना ज्यादा उनके वैष्णव भक्त संतों को माना करो। लालाचार्य जी बोले कोई चिकनी चुपड़ी बात नहीं करूंगा गुरुदेव, पर यह मुझसे हो नहीं पाएगा, मैं भगवान से 1000 गुना ज्यादा किसी को नहीं मान सकता। तो रामानुजाचार्य जी बोले 1000 गुना नहीं मान सकते तो 100 गुना ज्यादा मान लो, भगवान से 100 गुना ज्यादा श्रेष्ठ वैष्णवों को संतों को मानो। लालाचार्य जी बोले क्षमा करें मैं ये भी नहीं कर पाऊंगा। बोले 10 गुना ज्यादा मान लो। बोले क्षमा करें ये भी नहीं हो पाएगा। अच्छा ठीक है तुम एक काम करो, तुम 1000 गुना 100 गुना 10 गुना ज्यादा मत मानो संतों को, भगवान के समान तो मान सकते हो, जितनी आराधना जितनी अर्चना तुम भगवान करते हो उतनी आराधना अर्चना उतने भाव तुम संत वैष्णव और भक्तों के प्रति रखो। लालाचार्य जी बोले गुरुदेव क्षमा करें मैं भगवान के समान भी नहीं देख पाऊंगा संतों को। तो रामानुजाचार्य जी बोले क्या करें फिर। अच्छा तो फिर ठीक है तुम 1000 गुना मत मानो 100 गुना मत मानो, भगवान के समान भी संतों को मत मानो, पर तुम जैसे जितना अपने मित्रों को भाइयों को बंधुओं को प्रेमियों को मानते हो उतना प्रेम तो संतों से वैष्णवों से कर सकते हो ना। लालाचार्य जी बोले हाँ ये कर सकता हूं, जैसे भाई बंधु सखा मित्र हैं वैसे मैं संत वैष्णव और तिलकधारी तुलसीधारियों को मान सकता हूं, भगवान के समान और भगवान से ज्यादा नहीं मान सकता, पर शास्त्र आज्ञा करते हैं। आप लोग भी बहुत ध्यान से सुनो, ठाकुर जी से ज्यादा, लीला तो आगे सुनाऊंगा पर एक बात आप लोग सुनो, ठाकुर जी से ज्यादा ठाकुर जी के वैष्णवों को मानने से ठाकुर जी और जल्दी प्रसन्न होते हैं। हां वो वैष्णव अपने आप को ठाकुर जी से ज्यादा पुजवावे तो गलत है, तो अपराध है। आपके मन में अपने आप भावना आ जाए, आपके बिसौली में कोई कंठीधारी आवे, आपके बिसौली में कोई हरिद्वार से वैष्णव आ जाए, तो जितने प्रसन्न आप वृंदावन बिहारी को देख करके होते हैं उतने प्रसन्न उसको देख करके हो गए, तो निश्चित समझ जाना आपकी भक्ति लग रही है आपको, इसीलिए वैष्णवों को देख के आप प्रसन्न हो रहे। पर लालाचार्य जी ने स्पष्ट कर दिया मैं भगवान से ज्यादा नहीं मान सकता किसी भक्त को और भगवान के समान भी नहीं मान सकता। तो
तो गुरुदेव ने आज्ञा की, तो भगवान से ज्यादा भगवान के समान मत मानो, अपने भाई बंधु सखाओं के सम मान लो। लालाचार्य जी बोले ये कर लूंगा मैं। और वो उसी दिन उसी क्षण से जो भी तिलकधारी दिखाई देता, जो भी कंठी वाला दिखाई देता, जो भी नाम जापक शिखा वाला दिखाई देता, जिस किसी के भी किंचित भेष में कहीं वैष्णवता होती, लालाचार्य जी उसको ऐसे हृदय से लगाते जैसे कुंभ का बिछड़ा भाई मिला हो। सामने वाला पूछ रहा, अरे भाई जान ना पहचान तुम, अरे नहीं नहीं तुम तो मेरे भैया हो। अपने गुरु की आज्ञा का इतना पालन किया कि फिर जो मिला वैष्णव रूप में उसको भाई के समान ही प्रेम किया लालाचार्य जी ने। लेकिन ठाकुर जी ने एक दिन लालाचार्य जी की परीक्षा की। वो कैसी परीक्षा? कि दक्षिण में कावेरी नदी में लालाचार्य जी स्नान कर रहे थे और तभी एक वैष्णव तिलकधारी कंठीधारी कोई वैष्णव था, वो स्नान करते करते कावेरी जी में डूब गया और उसके प्राण निकल गए। और वो बहता हुआ कावेरी जी में आ रहा था, उसका शव तैर रहा था नदी में। लालाचार्य जी यहां पर संध्या उपासन कर रहे थे, तभी उन्होंने नेत्र खोल करके देखा कि सामने एक शव जा रहा है और उस शव का अता पता कुछ नहीं है, पर उसने गले में कंठी पहन रखी है और माथे पर थोड़ा थोड़ा तिलक लगा हुआ है। तो लालाचार्य जी उसको देखते ही फूट फूट करके रोने लगे और चिल्ला चिल्ला के हल्ला करने लगे, मेरा भाई चला गया, मेरा बंधु चला गया, मेरा सखा चला गया। कूद पड़े, सब रोकने लगे, अरे जान ना पहचान पता नहीं किसका शव है, तुम कहां जा, अरे नहीं ये मेरा भाई है। उनकी निष्ठा इतनी हो चुकी थी वैष्णवों के प्रति कि अब किसी का शव भी देख रहे हैं तो उसी भांति रो रहे हैं जैसे कोई सगे भाई के जाने पर रोता है। लालाचार्य जी उनके शव को लेकर के आए और अपनी गोद में उनका सर रख के इतना रोए, नगर के लोग सब उपहास करने लगे, नगर के लोग आकर के सब तमाशा देख रहे हैं। बोले बताओ, एक अनजान व्यक्ति को अपने भाई के भांति प्रेम कर रहे हैं। पर लालाचार्य जी तो हर वैष्णव को अपना भाई मानते थे, गुरु को वचन दिया था कि भगवान से ज्यादा नहीं मान सकता पर अपने भाई बंधुओं के समान मान लूंगा संतों को। घर परिवार के लोगों ने लाख मना किया लेकिन फिर भी लालाचार्य जी ने उनका संस्कार किया, अपने केश छेदन आदि कराए। और जो क्रिया एक घर का सदस्य करता है ठीक वैसी क्रिया पिंडदान आदि सब करने लगे, अपने गोत्र से ही उसका गोत्र बोल करके उसका पिंडदान आदि सब कर दिया। और इतना ही नहीं, 13 दिन तक सूतक की जो क्रियाएं घर में होनी चाहिए वो क्रियाएं भी पालन कराई और खुद भी करी और खुद के परिवार वालों से भी कराई। ये निष्ठा नहीं है, कैसी अद्भुत निष्ठा। आया 13वां दिन और 13वें दिन श्री लालाचार्य जी गए और नगर में जितने ब्राह्मण थे सबको निमंत्रण दे के आए। बोले हमारे भाई साहब चले गए, उनके भोज में आप सबको आना है। सब ब्राह्मण बोले ठीक है भैया, इनके भैया गए उसमें जाएंगे। तभी एक उनमें चतुर ब्राह्मण था, उसने कही वो लालाचार्य जी का तो कोई भैया ही नहीं है, इनका कौन सा भाई चला गया जिसके लिए जिसके प्रीति भोज जिसके भोज में हम लोग जाएं, और हम लोगों का आचरण शुद्ध है, हम लोगों की विचारधाराएं शुद्ध हैं, ऐसे थोड़ी किसी का नाम गोत्र नहीं पता किसी के भी चलते फिरते आदमी के उसमें हम चले जाएंगे। यहां पर लालाचार्य जी ने सारी व्यवस्था कर रखी थी, ब्राह्मण आएंगे, 13वां दिन है, शुद्ध पवित्र होना है आज प्रसाद पवा के। लेकिन कोई भी नहीं आया। जब कोई भी नहीं आया तो लालाचार्य जी ने पूछवाया कि कोई क्यों नहीं आया, तब पता चला कि सबने यह सोच सबको यह पता चल गया कि वो आपके भैया नहीं थे, आपने तो ऐसी राह चलते का संस्कार कर दिया, उसके उसके भोज में बुला रहे हो ऐसे, इसलिए ब्राह्मण नहीं आए। तब लालाचार्य जी रोते हुए अपने गुरुदेव रामानुजाचार्य जी के पास गए और जाकर के कहा, गुरुदेव मैंने तो आपको दिए हुए वचन का पालन किया कि मैं कंठीधारी तिलकधारी जो दिखेगा उसके
उसको अपना भाई मानूंगा, मैंने तो अपने नियम का पालन किया। पर ये समाज कहीं ना कहीं से इस बात को दावे से प्रस्तावित करवा रहा है कि मेरा नियम गलत है। मैंने एक कंठीधारी को अपने भाई मान करके सब क्रिया उसकी की, उसके 13वें का भोजन था, कोई भी पानी नहीं आया, ये जानकर कि मेरे सगे भाई नहीं थे। रामानुजाचार्य जी बोले, तुमने निष्ठा से किया है ना, बस अब तुम चिंता मत करो, ठाकुर जी को निवेदित करके ठाकुर जी को निमंत्रण दे दो। और जैसे ही लालाचार्य जी ने ठाकुर जी को निवेदित करके ठाकुर जी को निमंत्रित किया, साक्षात संघ चक्र गदा पद्मधारी लक्ष्मी नारायण भगवान उस भोज को पाने के लिए। जिस भोज को ब्राह्मणों ने स्वीकार नहीं किया, उसके लिए ठाकुर जी स्वीकार कर गए। तो ये बात अपने चित्त में बैठा लीजिए कि जब आप ठाकुर जी के समान या अपने भाई बंधु मित्रों के समान, और यदि गुरु कृपा हो जाए तो ठाकुर जी से भी ज्यादा वैष्णवों के भक्त हो जाते हैं, तो कहीं ना कहीं आपको ठाकुर जी से मिलने से आपकी कल्याण में, आपकी भगवत प्राप्ति में अब कोई बाधा नहीं आ सकती। पर यह हो पाना असंभव है। भगवान से अधिक वैष्णव प्रिय लगे, भगवान के समान वैष्णव प्रिय लगे, ये असंभव है। इसलिए कम से कम अपने मित्र भाई बंधुओं के समान वैष्णव दिखने लग जाए, ऐसी क्रिया तो करो। क्योंकि भैया ठाकुर जी तो क्रिया बिगड़ने से पहले समझाते हैं, क्रिया बिगड़ने के बाद तो वैष्णव ही संभालेंगे आपको। आज युधिष्ठिर चिंता में है, मैं क्या करूं, भगवान ने तो हाथ खड़े कर दिए, बोले अब तो युधिष्ठिर भीष्म पितामह ही तुमको ज्ञान उपदेश करेंगे। और पंच पांडवों को लेकर के भगवान भीष्म पितामह के पास पहुंचे। रणभूमि में बाणों की सैया पर लेटे हैं पितामह भीष्म, रोम रोम में बाण लगा है भीष्म पितामह के, एक एक रक्त बूंद बनकर के नीचे गिरता जा रहा है। अब रक्त भी नहीं बचा है, फिर भी जीवित हैं भीष्म पितामह। क्यों? क्योंकि इच्छा मृत्यु का वरदान उनको मिला है, जब तक उनकी इच्छा नहीं होगी तब तक मर नहीं सकते। लेकिन इस इच्छा मृत्यु का जितना सुंदर सदुपयोग भीष्म पितामह ने किया वो प्रशंसनीय है, कि भीष्म पितामह ने अपनी इच्छा मृत्यु से कोई सांसारिक भौतिक सुख की कामना नहीं की, बल्कि इच्छा मृत्यु से कामना की पीतांबरी कसी हो, मुखड़े पे एक हसी हो, छवि मन में ये बसी हो, जब प्राण तन से निकले इतना तो कहना स्वामी, जब प्राण तन से निकले। बंधुओं, हमारा जीवन चाहे जैसे निकल जाए, पर हमारी अंतिम क्षण जो होते हैं ना, उन क्षणों में हमारे विचार में जो होता है, हमारे मन में जो होता है, हमारी बुद्धि में जो होता है, वैसी ही गति कई बार हमको मिलती है। और अंतिम क्षण का कुछ पता नहीं होता कि वो कब आ जाए। इसलिए हमारे शास्त्र कहते हैं इतना भजन करो, इतना नाम जप करो, ये कंठी माला पहनने का विधान क्यों है, गले में कंठी पहन के क्यों रहो, कब प्राण निकल जाए क्या पता। कम से कम हमारा देह जब प्राण त्यागे उस समय तुलसी जी तो हमारे तन से स्पर्श कर रही हो, इसलिए कंठी पहनते हैं। क्यों? सबको पता है कि जब किसी के प्राण निकलते हैं तो उसको भी एक संस्कार कहा जाता है, अंतिम संस्कार। और अंतिम संस्कार में एक चिता बनाई जाती है, चिता में उस देह को पधरा करके एक प्रकार से जब कोई व्यक्ति अंतिम संस्कार करता है ना, तो ध्यान से सुनिएगा पंडित जी, उस समय भी कुछ मंत्र उच्चारण करके कहते हैं स्वाहा, मतलब अब इस देह का भी
हम आपको अर्पण करते हैं ठाकुर जी, इसको स्वीकार करो। हवन में अर्पित की गई हर वस्तु ठाकुर जी के मुख के समान, मतलब ठाकुर जी उसको पा रहे हैं। ध्यान पूर्वक सुनिएगा, एक प्रकार से हवन क्या है? हवन भगवान का मुख है। सभी देवी देवताओं का आह्वान करके हम उसमें आहुति डाल करके अग्नि के द्वारा भगवान का पोषण, भगवान को पवा रहे हैं। अंतिम संस्कार में हम देह को जला करके एक प्रकार से उस देह को भगवान को अर्पित कर देते हैं, और भगवान तब तक नहीं पाते जब तक तुलसी जी का स्पर्श नहीं हो। इसलिए उस देह से तुलसी का स्पर्श हो रहा हो, जब उसके प्राण निकले हो, तो निश्चित है कि भगवत प्राप्ति हो जाएगी। लेकिन अगर व्यक्ति ने केवल तुलसी पहनी, नियमों का पालन नहीं किया, नियमों का पालन मतलब एक ही नियम है तुलसी जी का, क्या कि तुलसी धारण करने के बाद कंठ से नीचे अपवित्र वस्तु नहीं जानी चाहिए आपके मुख में। अगर आप अपवित्र मांस का भक्षण करते हैं, मदिरा का सेवन करते हैं, तंबाकू खाते हैं, धुआं उड़ाते हैं और तुलसी पहनते हैं, वो तुलसी नहीं फिर काष्ठ है, और मृत्यु के बाद में तुलसी का अपमान करने का दंड और मिलेगा। इसलिए एक जगह मुझसे एक व्यक्ति पता क्या बोला, महाराज जी मैं तुलसी पहनता हूं पर मैं कॉलेज में पढ़ता हूं, बच्चों के साथ कभी कभी खाना पीना पड़ता। मैंने कहा, हे भाई तू क्यों पहनता है तुलसी? बोले, नहीं जब खाने पीने जाते हैं तुलसी उतार देता हूं। मैंने कहा, वाह, उससे क्या होता है? बोले, कम से कम कंठ से तुलसी तो नहीं स्पर्श होती। मैंने कहा, ये तो वही बात हो गई कि ब्याह में मंगलसूत्र पहना था बहू ने, लेकिन मंगलसूत्र उतारने से ब्याह थोड़ी टूट जाएगा, वो तब भी विवाहिता ही मानी जाएगी। कभी कभी मंगलसूत्र साइड रखने से क्या वो उसका ये समझ लें कि अब उसका ब्याह नहीं है? ब्याह तो हो गया, अब चाहे मंगलसूत्र धारण करे चाहे नहीं, एक बार कंठी अगर गले में पहन ली तो मतलब आप वैष्णव हो। उसके बाद आपकी खान पान की शुद्धता अगर नहीं है, दंड तो मिलेगा। इसलिए तब तक तुलसी जी मत पहनिए जब तक आप अपने चित्त पर ये भरोसा ना कर लें कि हाँ हम अपने भोजन और भजन और पान को शुद्ध कर सकते हैं। विशेष रूप से तो मांस सेवन करने वाले और मदिरा पीने वाले, तंबाकू सेवन करने वाले, इन लोगों से तो हमारी प्रार्थना है बिल्कुल मत पहन लेना, और जब पहनो तो सबको विष के मात्र त्याग देना, विष के समान त्याग देना। तो हम जीवन भर कुछ भी करें पर अंतिम क्षण में हमारे मुख से जो शब्द उच्चरित होता है, हमारे चित्त में जो होता है, हमारे मन में जो होता है, उसी से हमारी गति निश्चित होती है। इसलिए भैया हर दिन ठाकुर जी से एक प्रार्थना करो, क्या कि नाथ जब मेरे प्राण निकलने वाले हो ना, आप मुझको अभी बिल्कुल मत मिलना, मैं वृंदावन जाऊं मुझे मत दिखना, मैं हरिद्वार जाऊं मुझ पर कृपा मत करना, जीवन भर मेरा ऐसी चलने दो, कोई बात नहीं आप मत मिलना, पर नाथ जब मेरे प्राण निकल रहे हो ना, जब मेरी अंतिम श्वास चल रही हो, मुझे नहीं पता कहां निकलेंगे, कैसे निकलेंगे, कब निकलेंगे, आपको पता है, बस मेरी इतनी इच्छा मान लीजिए नाथ कि जब मेरे प्राण निकले ना तब आप मेरे सामने आ जाना। भगवान से और कुछ मत मांगो। भक्तमाल जी की कथा में एक प्रसंग ऐसा भक्तमाल जी के विषय में सुनाया जाता है कि अगर अंतिम श्वास निकल रही हो और उस समय भागवत जी, रामचरितमानस या इस प्रकार के वैदिक ग्रंथ या भक्तमाल जी अगर हमारी छाती पर रखी हो, या इनका दर्शन हमको हो रहा हो, भागवत जी की पोथी रखी है, हम उसको देखते देखते प्राण त्याग दें तो भी भगवत धाम की प्राप्ति। तो भक्तमाल जी के विषय में आता है कि एक सेठ जी ने क्या किया, अब भागवत जी आदि ग्रंथ ये तो बड़े पवित्र हैं, इनको हमेशा धारण करना उचित नहीं,
उन्होंने क्या किया, भक्तमाल जी की छोटी छोटी लिपियों के छोटे छोटे ग्रंथ बनवाए और उन छोटे छोटे ग्रंथों को तुलसी जी में मढ़वा करके, तुलसी जी के अंदर पधरवा करके और गले में धारण कर लिया। अब बोले अब चाहे जब प्राण निकले भक्तमाल जी हृदय से लगी रहेंगी। और वही हुआ, जैसे उनके प्राण निकले तो भक्तमाल जी हृदय पर ही थी। जैसे ही प्राण निकलने लगे तो भक्तमाल जी में जितने भक्त हैं, प्रहलाद जी, ध्रुव जी, नारद जी, हितरवंश महाप्रभु, गोपाल भट्ट गोस्वामी, श्री स्वामी हरदास जी महाराज आदि आदि जितने भी भक्त हैं, वो सब भक्त प्रकट हो गए और प्रकट होकर के उस दिव्य चेतना को अपने साथ भगवत धाम को लेके चले गए। इसलिए हमारे वृंदावन में आप जाओगे तो आपको कई सारे संत दिखेंगे, मोटी मोटी तुलसी की माला और यहाँ बीच में लिखा होगा सीताराम, राधे श्याम, बड़े बड़े उनके भीतर भक्तमाल जी हैं, उनको सदा चित्त से लगा के रखते हैं। कब प्राण निकल जाए क्या पता। इसलिए भैया तुलसी जी धारण करो, तिलक धारण करो, पर उनके नियमानुसार धारण करो। और नियम एक ही है कि फिर शुद्ध रहो, पवित्र रहो, बस। तो अब कई लोग ये भी बोलते हैं कि महाराज जी कभी कभी हम अपवित्र स्थान पर जाते हैं शौचाचार निवृत्त होने तब उतार दे। नहीं, वह एक शारीरिक क्रिया है, उसमें आपका कोई दोष नहीं है। वो शारीरिक क्रिया, ऐसे तो घर में भी तो झाड़ू लगाते हैं, उसको भी साफ करते हैं हम, ठीक वैसे ही तन जो है, तन के भीतर भगवान रहते हैं, तन भी एक स्थान है, भगवान का तन भी देवालय है, उस तन को हम साफ मात्र कर रहे हैं। उस समय ये भावना नहीं रखनी कि हमको उसका त्याग, वो एक शारीरिक धर्म है। शौचाचार एक प्रकार से अपवित्र स्थिति है, हम उसके बाद स्नान करते हैं, शुद्ध करते हैं स्वयं को, परंतु वह शरीर का धर्म भी है, वो करना आवश्यक है। इसलिए उस स्थिति में ये विचार ना करें कि वो अपवित्र स्थिति, हम तुलसी उतार दें क्या पहनो। तो भीष्म पितामह जी महाराज बाणों के सैया पर लेटे हैं और तभी भगवान सामने आकर के खड़े हो गए पांडवों के साथ। भीष्म पितामह ने भगवान की ओर देखा, अंतिम समय भगवान का दर्शन करते करते भीष्म पितामह ने एक स्तुति गाई, इसको भीष्म स्तुति कहते हैं। हम लोग दो चार श्लोक गाए भीष्म स्तुति के, बहुत सुंदर स्तुति है। श्री भीष्म वाच, अगर कोई व्यक्ति नित्य भीष्म पितामह की स्तुति का पाठ करता है तो ये बात निश्चित है कि उसके अंतिम क्षण में ठाकुर जी कहीं भी हों, दौड़ के उसके सामने एक क्षण के लिए उसको दर्शन देने जरूर आएंगे। ये भीष्म पितामह की स्तुति को वरदान। इति मति रूप कल्पिता वितृष्णा भगवत सात्वत पुंकवे विभुम्ने स्वसुखमुपगते क्वचिद् विहर्तुं प्रकृतिमुपेयुषि यद्भव प्रवाह त्रिभुवन कमनम तमालवर्णम रविकर गौरव रामवरम दधाने वपुरलक कुला वताननाब्जम विजय सखे रतिरस्तु मे वद्या युधि तुर्गर जो विधुम्न विश्वक कचलुलित शम वार्यलंकृताश्य मम निशित शरे विविद्यमान त्वचि विलसत् कवचेस्तु कृष्ण आत्मा सपदि सखी वचो निशम्य मध्ये
निज परयोर वलयो रथम निमेश स्थितवति परसै निकायु रक्षणार्थवति पार्थ सखे रथ ममास्तु व्यवहित प्रतना मुखम निरीक्ष स्वजन बथाद्विमुखस्य दोष बुद्ध्या कुमति महरदात्मा